नमस्कार, मार्केट अपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और मंगलवार का दिन यानी फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया सेशन, जहां पर आपको आज शुरुआत ही अच्छी मिली मार्केट्स में। 60 अंकों के आसपास की तेजी थी गिफ्ट निफ्टी में और उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई बढ़िया। 276 अंक करीब करीब पौने 300 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी सेंसेक्स कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 90 अंकों की बढ़त रही निफ्टी में। निफ्टी बैंक आज पार्टिसिपेट कर रहा था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, लेकिन फिर भी करीब करीब 1/4% की बढ़त के साथ वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स ने इंट्राडे में अपना नया रिकॉर्ड बनाया, स्मॉल कैप ने इंट्राडे में अपना नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। रिकॉर्ड स्तरों पर रहा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी, जहां करीब 10-11 कंपनियां जो निफ्टी की रियल्टी इंडेक्स की रहीं, उन सब में अपने नए साल के ऊपरी स्तर बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज पार्टिसिपेशन था HDFC बैंक की तरफ से सबसे ज़्यादा, या पार्टिसिपेशन था रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से सबसे ज़्यादा। दोनों ही मिला के करीब करीब 40 अंकों से ज़्यादा या 50 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन अकेले निफ्टी में कर रहे थे। बैंक्स में से दूसरा पार्टिसिपेशन था ICICI बैंक की तरफ से। फर्स्ट हाफ में TCS इन्फोसिस पार्टिसिपेट कर रहे थे, सेकेंड हाफ में टाइटन की तरफ से पार्टिसिपेशन आया, नया रिकॉर्ड स्तर टाइटन ने छुआ आज और 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वहाँ पर हिट होते हुए दिखाई पड़ी। अच्छी तेजी ब्रॉडर बेस मार्केट में भी थी, तो रेलवे शेयर न्यूज़ फ्लोज के दम पे पहले वो कालिंदी नहीं पहले चला बढ़िया मोमेंटम में टीटागढ़, और उसके बाद बाकी कंपनियों में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा, और टेक्समैको में भी वो OFAC खबर आ गई। सो न्यूज़ फ्लोज अच्छे हैं रेलवे स्पेस में, प्लस स्पेसिफिक जैसे कि टेक महिंद्रा में खबर आई थी एक, या फिर बाकी IT कंपनियों में न्यूज़ फ्लोज है, इन्फोसिस और बाकी कंपनियों में। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। फार्मा में आज बाइंग थी लगातार दूसरा दिन, जबकि मिड कैप फार्मा आज पार्टिसिपेट कर रहा था। लॉरस लैब में खरीदारी या एस्टर जैसी कंपनियों में खरीदारी एक समय पर देखने को मिली। अदानी समूह आज अच्छी तेजी में था, तो लगातार दूसरा दिन जब अदानी विल्मर आज अपमूव में था, अदानी ट्रांस में बाइंग थी, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज सब में खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। सो एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं मार्केट्स के लिए आज देखने को मिला। अब क्योंकि इवेंट मिसिंग है मार्केट में अभी भी, और न्यूज़ फ्लोज पे ऑर्डर्स पे कंपनियां चल रही हैं। सो अच्छा ऑर्डर आया, ताल ब्रॉस लगातार दूसरे दिन तेज़ी में रहा, टीटागढ़ में वो खबर आई करार की उसमें चला। सो ऐसे यू नो ओबरॉय रियल्टी कंपनी ने एक्सपेंड किया NCR मार्केट में, जो कल खबर आई थी उस पर चला। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बन रही है मार्केट में, और उसके हिसाब से बाजार अपना रिएक्शन दे रहा है, और जो मोमेंटम है वो सेलेक्टिव स्टॉक्स की तरफ ही सीमित है सो फार आज। लेकिन फिर भी हैवी वेट की तरफ से पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। IPOs का फ्लो बढ़ गया है, आज IREDA का IPO खुला है, पहला दिन था उसका, कल से बाकी 4 IPO खुलने जा रहे हैं। तो टाटा टेक, फ्लेयर, फेड और वो रिफाइनरी का जो IPO है, ये 4 IPO कल से खुलने जा रहे हैं। तो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसा फ्लोज वहाँ पे आता है। बट अगेन आज इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी खरीदारी थी, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ सब खरीदारी में कामकाज कर रहे थे। तो ये कुछ रैप था पूरे दिन का, आज किस तरह की सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ी। और अदरवाइज देखते हैं मार्केट में कि स्पेसिफिक कहाँ पर मूव आते हैं, जो 2-3 नंबर में से कर एक होनासा का नंबर पेंडिंग है उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी सवाल आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए मेरे पास आए हैं। सबसे पहला सवाल कहाँ गए या CNBC आवाज़ का पेज, हाँ ये रहा, ओके। तो पहला सवाल है सर, IREDA IPO वर्सेस सुजलॉन, ये कैसा कॉम्बिनेशन है मलिक साहब? भाव देखकर आपने कॉम्बिनेशन बना डाला कि IREDA IPO 32 रुपये का, सुजलॉन भी उसी भाव पर है, तो कहीं ना कहीं ले लिया जाए। सर दोनों का पहली बात तो कारोबार अलग अलग है। IREDA एक सरकारी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार की फिनेंसिंग के ऊपर काम करती है, और सुजलॉन एक यू नो विंड पावर कंपनी है जिसमें रिसेंटली टर्न अराउंड की स्टोरी डेवलप होनी शुरू हुई है, अभी हुई नहीं है। सो दोनों का कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है नहीं। आप अगर कोई सरकारी कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसमें OFS का हिस्सा में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो IREDA में कोई बुराई नहीं है। ज़्यादातर जानकार मान भी रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, 8 के मल्टीपल पे आ रहा है। सरकारी कंपनी वैसे भी सस्ती रहती है, तो उसमें भी कोई डिनाइल नहीं है। सो और PSU की तेज़ी बनी हुई है, तो अगर इस मोमेंटम में आप पिक करना चाह रहे हो तो जानकार तो मान रहे हैं कि IREDA आप ले सकते हो। रही बात सुजलॉन की, तो अगेन एक बहुत चला हुआ स्टॉक है, 9 रुपये का शेयर आपके सामने 35-36 रुपये आ गया, 50,000 करोड़ की करीब मार्केट कैप आ गई। सो इस तरह की तेज़ी पकड़ने के बाद मल्टीपल टाइम 4 टाइम्स ऊपर आ गया स्टॉक, तो रिस्क एपेटाइट आपका, मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 4 टाइम्स लूज हो गया। सो अभी के सिनेरियो में आप अवॉइड ही करिए, सुजलॉन ज़्यादा बेटर है। आपके पास है तो बात अलग है,
लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड ही करिए, इतनी बड़ी तेजी में फंसने वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बहुत रिस्की एपेटाइट है तो बात ही अलग है, फिर तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन सर्किट टू गो अप सर्किट टू गो डाउन होता है इसमें। लेकिन नया कुछ ढूंढ रहे तो हाँ, आयरेडाइम बुराई नहीं है, आप जा सकते हो उस कंपनी में। अलॉटमेंट भी हो जाएगा कि बड़ा शेयर, जब बड़ा आईपीओ लेकर आए हैं, शायद 4,000 करोड़ 6,000 करोड़ का आईपीओ है, सो यहाँ पे अलॉटमेंट भी इजीली हो सकता है, तो कंपेरेटिवली वो ज़्यादा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। और दोनों का वैसे कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, फिर से एक बार मेंशन कर दूँ मैं। ओके, वरुण बेवरेजेस एंड मैनकाइंड फार्मा एसआईपी के लिए। सर मैनकाइंड फिर भी बेटर हो सकता है घोषाल साहब, वरुण के कंपैरिजन, दो वरुण में बड़ा रनअप आ चुका है, यही एक वजह है। लेकिन क्यूएसआर स्टोरी में वरुण का नाम अच्छा है, अच्छी चला भी है स्टॉक, नंबर्स भी सपोर्टिव ही है इनफैक्ट, हालांकि ये स्टॉक की और वजह भी है चलने की, लेकिन कंपेरेटिवली मैनकाइंड ज़्यादा नया है, थोड़ा समय ले सकता है, और उसके बाद वो आपको नीचे के दाम पे मिल जाए तो आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी के लिए मैनकाइंड से अच्छा अगर आप फार्मा में जा रहे हो, डिवीस है, इप्का है, इनको आप फिर भी एक बार को देख सकते हो, रेड्डीज है, अपोलो है, मेदांता है, ये कुछ नाम है इनको आप देख सकते हो, फिर भी इवन एचसीजी है, ये फिर भी बेटर साइड पे है। मैनकाइंड भी ठीक है, बट नंबर्स पे नज़र रखना है कि अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है, दो क्वार्टर, एक क्वार्टर, तीन क्वार्टर के नंबर आए, सो कुछ भी कहना इतना आसान नहीं रहेगा कंपेरेटिवली। सो ज़रा टाइम बिता ले तो ज़्यादा बेटर आप कॉल ले पाओगे सो फार मैनकाइंड में। वरुण के केस में क्योंकि चला बहुत है, आप एक बल्क में नीचे के लेवल पर कहीं लेकर रख लो, बात अलग है, कोई बड़े शॉट में नीचे मिल जाए तो। लेकिन एसआईपी के लिए फिर भी थोड़े कंसिस्टेंट स्टॉक ढूंढ सकते हैं आप मिड कैप के। आयरेडा हो गया, स्कैफलर इंडिया फ्रॉम लॉन्ग टर्म। तो चाना साहब कंपनी तो दो ये ठीक है, और आप टाइम भी दे सकते हो इसको, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। कंपनी वैसे अच्छी है, इक्विटी भी छोटी है, सो रिस्क एपेटाइट के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा समय भले लग सकता है कंसोलिडेशन में, लेकिन आप ऐड कर सकते हो, तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन में करके ही ऐड करना है इसमें। अदानी पोर्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर व्यू, तो मिश्रा जी देखो कॉन्ट्रा व्यू है मेरा, क्योंकि 90% लोग इस समूह में भी पैसा डालने की सलाह नहीं देते हैं। मेरे को अगर आप पूछोगे तो मेरे को 3 कंपनियां सबसे बेटर लगती हैं इस समूह की, पहला है अदानी पोर्ट, दूसरा है अदानी पावर, तीसरा अदानी ट्रांस, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो सपोर्टिव सबसे ज़्यादा अदानी पोर्ट के ही हैं, मतलब आउट ऑफ मेजर पोर्ट इनके पास, मेजर ट्रैफिक इनके पास, प्राइस नेगोशिएशन की पावर इनके हाथ में, इन्होंने ही मेजर कार्गोज के प्राइस नेगोशिएट करना शुरू किए हैं। इनफैक्ट आप रिसेंटली गूगल भी कर सकते हो, कई जगहों पर इन्होंने अपनी जो अनलोडिंग के और कैरियज के जो चार्जेस हैं उनको भी मल्टीपल लेवल तक बढ़ाया है। सो इस तरह के बड़े फेरबदल इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज इनके पास प्राइसिंग कमांड करने की कैपेसिटी है, और दूसरा नंबर आ रहे हैं। अब नंबर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक सरकार विशेष पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर नंबर होते हैं। सो फार सिचुएशन तो इनके फेवर में दिख रही है अदानी पावर पोर्ट के, तो आप अगर जाना चाहो जा सकते हो, आप होल्ड भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। वैल्यूएशन वाइज भी ये सबसे ग्रुप की सस्ती कंपनियों में से एक है, अदरवाइज अगर थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए नंबर्स का तो वैल्यूएशन और बेटर हो जाएंगे विद टाइम। तो पहला नाम तो वही है अदानी पोर्ट, देन कम्स पावर जो चला भी है, और थर्ड इज फ्रांस जो भी बहुत चला नहीं है, तो आप चाहो तो इनमें से कोई एक नाम चुन सकते हो। बट अगेन ये पूरा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना आप तीनों के तीनों कंपनियों में, क्योंकि इस ग्रुप के साथ इश्यूज बहुत सारे आते रहते हैं बीच बीच में, सो वो स्टॉप लॉसेस जरा आपका बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, उसको आप ध्यान रखिएगा एटलीस्ट। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड नेम, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज इन मित्र सर, अगर आप कंज्यूमर खर्च वाली कंपनी में बात करो तो सबसे ज़्यादा नाम तो लेकर ही आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च वहीं है। तो पहला तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रिवरीज, तीन नाम। इफ़ आप फूड साइड पे जाते हो अगर, तो फूड साइड में आपको वरुण इज़ गुड नेम, इवन अच्छी कंपनी है, मतलब विद टाइम आई स्टार्ट लाइकिंग इट। और जुबलेंट है, थोड़ा बीटन डाउन है, अगर बैड टाइम मिल जाए तो आप आराम आराम से ऐड कर रहे हो उसको, देन मतलब चला बहुत इसलिए भी। डी मार्ट इवन इज गुड नेम, नीचे मिल जाए तो अगेन। टाइल कंपनी अच्छी हैं, सेरा एंड ऑल, तो इनको आप एक बार को देख सकते हो। सो डिस्क्रिशनरी में तो जहाँ जहाँ खर्च, टाइटन इज अगेन, क्योंकि इतना चलने के बाद भी टाइटन में वैल्यू बहुत बाकी है अभी भी। आई तो फाइंड कि अभी भी यहाँ से मतलब बड़ी बात नहीं, डबल भी हो जाएगा विद टाइम। सो इस तरह की कैपेसिटीज़ हैं इन कंपनियों में, आप होल्ड कर सकते हो इनमें।
इसके अलावा IRFC क्या करें? तो मिश्रा साहब, IRFC ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है, ना केवल PSU की रैली बट रेलवे की रैली में भी इसमें एक सपोर्टिव बाइंग देखने को मिली है, तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अभी तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास है तो आप अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लेकर निकल जाओ, थोड़ा थोड़ा कैपिटल एटलीस्ट निकाल लो। अगर कैपिटल नहीं और आपने अभी अभी निवेश किया है, आप अब और लॉन्ग टर्म एवेन्यू देख रहे हो, तो अब आप स्टॉप लॉस ले लो, क्योंकि एक ड्रीम रन रेलवेज़ ने दिखाई है और PSU ने भी दिखा ही रहे हैं। सो वो ड्रीम रन कहाँ तक फॉलो अप होती है उसको आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करना, ये थोड़ा रिस्की बेट हो सकते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान संभल के इसमें आप अपनी कोई भी रणनीति बनाना। अब कुछ सवाल जो मैं YouTube के भी ले लेता हूँ, कहाँ गया। हाँ जी, आपने जो 2022-23 IPO का डेटा बताया है कि शेयर प्राइस विद इन 1 ईयर लिस्टिंग प्राइस से डाउन आ जाता है मेजॉरिटी केसेस, उसमें क्या सिर्फ मेन बोर्ड IPO इंक्लूड है और SME भी? सर मेन बोर्ड है मयंक जी, क्योंकि SME के IPO का तो दायरा ही इतना बड़ा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा वो बहुत मैनिपुलेटेड है। आप ऐसे समझ लो कि कोई भी SME का कंपनी का IPO आता है 12 करोड़ का, 10 करोड़ का, एक अल्ट्रा SNI उसका IPO को पूरा सब्सक्राइब कर सकता है, लेकिन वो सब्सक्राइब ना करने की वजह से रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, तो हर्डल्स की वजह से उसको मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर जाना पड़ता है और वो इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको एक कंपनी बताता हूँ, वो है टपारिया टूल करके, कंपनी है 3 रुपये की डिविडेंड देती है, करीब 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये की रेंज में। क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ही 67% है और बाकी एंटिटी की जो होल्डिंग्स है वो भी प्रमोटर एंड अलाइड ग्रुप की हैं। अब क्योंकि उस कंपनी के सारे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, इसीलिए उसमें आप कितना भी डिविडेंड देते रहो वो किसी के हाथ में जाता ही नहीं और आपको भी शेयर अलॉट होता नहीं। सो इसीलिए अगर कंट्रोल्ड इक्विटी है तो कुछ भी हो सकता है, तो वो SME में होता है, इसीलिए अभी उस डेटा को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ मेन बोर्ड पे ऐसा होता आ रहा है कि अगर कोई भी, मतलब जो IPO, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि हाल में 2023 में आए हुए जितने भी IPO थे उनके 58% IPO ऐसे हैं जिन्होंने अपना इशू प्राइस इधर छुआ है या इशू प्राइस से करीब तक गए हैं। 2022 में 90% ऐसे IPO थे जो अपने इशू प्राइस तक गए हैं, इशू प्राइस से करीब तक गए हैं या इशू प्राइस से नीचे गए हैं, कुछ अभी भी कामकाज भी कर रहे हैं। और 2021 में करीब 82% ऐसे IPO थे जो अपने इशू प्राइस से करीब तक आए हैं या इशू प्राइस के नीचे तक गए हैं। तो आपको आमतौर पर हर दूसरा IPO अपने इशू प्राइस के आसपास या नीचे तक मिल ही जाता है। मामा अर्थ ने रिसेंटली एग्जाम्पल दिखा भी दिया आपको, और मामा अर्थ के अलावा अगर कुछ और IPO की बात की जाए तो आप EMS को देख लो, अभी इशू प्राइस के आसपास तक आया था, EMIL इशू प्राइस के नीचे तक गया था, इवन अब लार्ज से सारे बड़े IPO देख लो, पेटीएम, LIC, रिलायंस पावर, कोल इंडिया एक बार इशू प्राइस के नीचे जा चुका है। सो ऐसे करके मल्टीपल IPOs हैं, जितने लार्जेस्ट IPO तो गए हैं, SBI लाइफ। सो ये डेटा इज इन पब्लिक डोमेन, यू कैन इजीली एक्सेस दैट, लेकिन आमतौर पर सिचुएशन आती है तो बारिंग फ्यू, जैसे DMart में नहीं आई, जैसे IRCTC में नहीं आई, सो NBCC में नहीं आई, तो ऐसी सिचुएशन भी आती है, बहुत बार नहीं भी आता लेकिन बहुतों में आता है। सो आप चुनाव उस हिसाब से करना अपना। ओके, मान इन्फा एटलीस्ट सिंह मीनाक्षी जी होल्ड कर लीजिए, इसमें कुछ बड़े ऑर्डर ही खबरें हैं, करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के बड़े ऑर्डर आ सकते हैं विद टाइम, तो अभी तो कंसोलिडेशन में है और अच्छे अप मूव की उम्मीद आप लगा सकते हो। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी कमेंट्री दी है, कल परसों को इंटरव्यू हुआ था इनका और बहुत बढ़िया कमेंट्री देकर गए वो, और टॉप लाइन अच्छी बोल रहे हैं तो नंबर सपोर्टिव रहेंगे, आप एटलीस्ट बने रहो यहाँ पर। KPIT क्यों गिरा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें ना सर? तो विनय जी, जब इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है कोई स्टॉक तो कहीं तो कूल ऑफ करेगा, तो अगर मतलब KPIT 2 इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ऑटो एंसलरी में ये कंपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, और अच्छा नाम भी है इसका, बट अगेन एक एग्जॉर्बिटेंट गेन आ चुका है इसमें, तो डिनाइल इस चीज़ से नहीं है कि कंपनी ख़राब है, डिनाइल इस चीज़ से कि बहुत बड़ी तेज़ी बहुत कम समय में आई है, तो हो सकता है कंसोलिडेशन में जाए या एक फेज़ के अंदर चला जाए, तो उस फेज़ के लिए आप तैयार रहो, और एक आधे छोटे मोटे फॉल से इतना घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, बट ये है कि बहुत बड़ा मूव इराटिक इसने दिखाया है तो उसका जरा आप ध्यान रखना। ये बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, इनमें बहुत बड़े बड़े मूव आए, और मिड कैप की रैली आई है IT की, लार्ज कैप ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वैल्यू लार्ज कैप में है, मिड कैप में नहीं है। एक इंटरेस्टिंग नंबर मैं अभी पढ़ रहा था तो आगे चल के ट्विटर पर शेयर भी कर दूंगा, कि जो टाटा टेक का IPO आ रहा है, टाटा टेक का IPO 4,000 करोड़ रुपये का IPO है, करीब करीब 800 करोड़ रुपये शायद सेल्स के ऊपर है और 200-300 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर है, और 6.5 करोड़ शेयर ये बाजार में लेके आ रहे हैं, और ये आज ला रहे हैं 32 के मल्टीपल पर। यही सेम IPO आज से 2004 में जब TCS लेके आया था तब उस ज़माने में वो 17 के मल्टीपल पे IPO लेके आया था, 5.5 करोड़ शेयर थे उस समय पर उसके, और उनकी प्रॉफिट थे उस समय पर करीब 2200 करोड़ रुपये और सेल्स से 10,000 करोड़ रुपये।
तो उस समय वो 17 के मल्टीपल पे आईपीओ लाया था, तो डिफरेंस आप खुद ही समझ लो कि टाटा ग्रुप ही कंपनी डबल के मल्टीपल पे आईपीओ लेके आ रही है 10-20 साल बाद। ऑब्वियसली बात है एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सटेंडेड आ ही रहे हैं ज्यादातर बाजार में, तो जरा ध्यान संभल कर ही काम करना इस तरह की सिचुएशंस में। आईएक्स के बारे में अभी तो होल्ड करिए, आज तो मोमेंटम आया है सैनी साहब, और मोमेंटम को गैदर करके निकलने की कोशिश करिएगा, और लॉन्ग टर्म का एक पहले गूगल करके इसका चार्ट देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म कितना दिखा चुका है, तेजी है ऑलरेडी, उसके बाद नीचे आया है, तो थोड़ा बहुत मूव आएगा और अप मूव जो मिले उसको आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहना या बने रहना उसके हिसाब से, लेकिन बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो तो और अच्छे अच्छे विकल्प हैं, उनको तलाश सकते हो आप इसी सेक्टर में। इनफैक्ट कंसीडरिंग मिड कैप इंडेक्स एट इट्स पीक, इट इज गुड टू इन्वेस्ट नाउ इन दिस सिचुएशन और वेट ऑन कैश अंटिल गुड अपॉर्चुनिटी अराइज इन नियर फ्यूचर। तो वैभव सर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मिड कैप फंड में या मिड कैप ETF में किसी में पैसा डाल सकते हो, ये SIP वे में जाएगा। टू, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब ऑल टाइम हाई बनता है तो मिड कैप के सारे शेयर भी ऑल टाइम हाई पर हो, बहुत सारे शेयर मिड कैप के आज भी साल के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनमें अपमूव आया नहीं है, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो दूसरी तरफ कि इनमें आप एक बार को पैसा डाल दो। तीसरा, आप अगर आप फिर भी पिक एंड चूज कर पा रहे हो तो बहुत सारे सेक्टर हैं ऐसे जो कि अभी चले नहीं है, मिसाल तौर पे केमिकल नहीं चला, मिसाल तौर पे रियल्टी इस समय चल गया है, IT के लार्ज कैप नहीं चले हैं, नॉन मिड कैप नहीं चले हैं, सो ऐसे नामों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बैंक्स के मिड कैप नहीं चले हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। और रही बात की वो मिड कैप रिकॉर्ड पर है और बाजार नीचे आएगा उसका वेट करना, तो मतलब मैं उस श्रेणी में आता हूँ जहाँ पर मतलब नदी के रुकने का वेट नहीं होता, आपको घुसना नहाना है, या तो आप आज 100 रुपये भी लोगे कल 80 रुपये आएगा शेयर, या 100 लोगे तो 120 आएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ जाते हो आप या किस तरह की वैल्यू ढूंढ रहे हो, तो आपको कौन कह रहा है कि 100 पूरा ले लो, थोड़ा सा ले लो, वेट कर लो, कहीं आपके भाव से नीचे आए और ऐड कर लो, फिर वेट कर लो, थोड़ा और नीचे आए थोड़ा और ऐड कर लो, इस तरह से आप काम करोगे तो मे बी लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी और कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा आपका। CDSL जोरदार तेजी है इसमें, अब क्या ही करेंगे कुंचल साहब, आप बने रहो फिलहाल तो, क्योंकि अच्छी कंपनी है और BSE यहाँ से और तेज की बातचीत होती है मार्केट में, तो CDSL भी चलना चाहिए, स्टोरी भी अच्छी है वैसे भी, तो अभी आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है दोनों में, BSE में भी और CDSL में भी। आरती इंडस्ट्री में अपना जी ऐड और करना चाहो तो आप कर सकते हो, मतलब नियर टर्म में तो जर्क रहेंगे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, Q-on-Q बेसिस बहुत ही अच्छे नंबर थे बल्कि, तो अच्छे नंबर अगर स्टेबल होना शुरू हो गए और बढ़िया नंबर दे रही है कंपनी अब, तो अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये नंबर यहाँ से अपटिक और दिखाएं, तो अकॉर्डिंगली आप होल्ड करो, और अगर आपके पास नहीं है और आप ऐड करना चाह रहे हो थोड़ा थोड़ा यहाँ से, जो रीसेंट ईयर लो था उसका स्टॉप लॉस डाल के आप ऐड कर सकते हो, स्टॉप लॉसेस ज़रूर डाल लेना, जो कि बहुत लोगों ने मुझे अदानी विल्मर के बारे में बोला है, बहुत लोगों ने मुझे यू नो इंडिया बुल्स रियल स्टेट या बाकी कंपनी के बारे में बोला है, तो सबके लिए एक स्टॉप लॉस दिया, UPL के लिए बोला, सबके लिए एक स्टॉप लॉस था, आपने फॉलो नहीं किया वो बात अलग है, मैंने हमेशा उनके लेवल ही बोले स्टॉप लॉस के, तो अब अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस प्लीज़ फॉलो कर लो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉल आप ऐड ही करो, कभी कभी स्टॉप लॉस लेना भी ज़रूरी होता है मार्केट में। ओके, वापस लौटते हैं कुछ फेसबुक के सवालों पर। गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF बोथ गिविंग 70% प्रॉफिट, शुड होल्ड और वेट? तो राठौर सर देखो, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग हो रही है कि अब यहाँ से ब्याज दरें और ऊपर नहीं जाएंगी, अब ब्याज दरें नीचे आएंगी तो इनके नंबर इम्प्रूव होंगे, या ब्याज दरें यहाँ से मतलब और ज़्यादा स्टेबल रहेंगी तो इनके नंबर इम्प्रूव होंगे, इस सिचुएशन में शेयरों की चाल को और डिस्काउंट करने से अच्छा एक काम कर सकते हो आप कि 70% गेन में हो, यानी कि आपका हर 10 में से 7 शेयर फ्री हैं मोटा मोटा, तो आप 5 शेयर निकाल लो, 12 शेयर अपने पास रख लो, तो एटलीस्ट आपका कैपिटल विद टाइम निकलता जाएगा, और जैसे जैसे कैपिटल निकलता जाए फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ के लिए होल्ड कर लो। DLF अगर अपना पुराना हाई भी काट दे 1100-1200 रुपये वाला, और गोदरेज भी ये अपना 2400 रुपये वाले जो हाइस थे इनके वो कट जाएँ, तो भी आपको गेन रहेगा उस सूरत में, एटलीस्ट अपनी 50% पोजीशन में, अब बाकी पोजीशन के साथ आप बने रहो थ्रू आउट लाइफ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्री के शेयर हैं, अभी के जो कैपिटल है वो यहाँ से निकालो और किसी और ऐसे ही सेक्टर में जहाँ आपने जैसे गोदरेज और ये सब आइडेंटिफाई किया है वैसे किसी और सेक्टर में आप पैसा डाल सकते हो। ओके, हैवेल्स लॉन्ग टर्म व्यू, तो शेख साहब मतलब कॉन्ट्रा व्यू होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में लेने के लायक खोने लायक बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि दो सबसे महंगा स्टॉक है ये पूरे सेक्टर में, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि ये FMEG और केबलिंग बिजनेस में, ये B2C में, वो B2B में जो दूसरी कंपनी है
पॉलीकैप, वो B2B में, तो B2C की और केबल और वायर्स और FMEG की सबसे महंगी कंपनी है, उसके बाद आता है पॉलीकैप, उसके बाद आता है KEI और ये रिसेंटली लिस्टेड जो कंपनी है वो RR काबेल. सो सबसे बेटर सिचुएशन में तो वैसे KEI एंड RR काबेल है वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो. लेकिन और RR काबेल में क्योंकि अभी हाल की नंबर है तो एक 2-3 क्वार्टर के नंबर आ जाए, थोड़ा स्टेबल भी हो जाएगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद और बेटर हो जाएगा उसका, उसमें पोजीशन लेना. लेकिन हेवल्स क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय से प्रेशर में है, अभी मैनेजमेंट से बात भी हुई थी इस क्वार्टर में, उनका मानना है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर में सीज़न शिफ्ट हुआ है, बारिश एक्सटेंड हुई है, दिवाली थर्ड क्वार्टर में गई है, तो देखते हैं कितना इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आता है. बट जो समर विंटर पोर्टफोलियो है उसमें वी गार्ड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपेरेटिवली हेवल्स के. सो मतलब अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म प्रेशर रहेगा, बट अगेन इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज, अगर आपके पास है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पोजीशनिंग वाइज वो ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं जो मैंने मेंशन किए पहले. मेरे पास HDFC लाइफ के 721 एंड मुथूट फाइनेंस के 1360 एवरेज पर 2 साल से ज़्यादा हो गया, क्या करें? तो श्याम जी, जब नीचे आया था HDFC लाइफ तो आपको ऐड करना चाहिए था पहली चीज़, इसलिए कहता हूँ SIP करिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी कॉस्ट नीचे की तरफ आती रहे. और लाइक वाइज अब आप मदरसन में मुथूट में ही काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा SIP वे में, अगर आपके पास मान लो 50 शेयर हैं या 100 शेयर हैं तो आप 10 शेयर या 20 शेयर या 15 शेयर करके एवरेज थोड़ा नीचे की तरफ लाना शुरू कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो उनको. HDFC लाइफ क्योंकि अब तो मोमेंटम में आज तो नहीं बोलूँगा चलते हुए, लेकिन किसी फाइन डे जैसे आज 3% चला है, कल 3% रिवर्सल हो जाए तो आपके लिए एक अच्छा मौका आ जाता है उस दिन थोड़ा थोड़ा ऐड करने का. तो किसी फॉल का इस्तेमाल करके इनमें पोजीशन ऐड करिएगा. और कभी भी ऐसी क्वालिटी कंपनी, मतलब निफ्टी कंपनी है HDFC लाइफ, ख़राब कंपनी नहीं है, प्राइवेट स्पेस की सबसे बड़ी मार्केट शेयर इसी के पास है, एंड मुथूट भी अगेन गोल्ड फाइनेंसिंग की सबसे बड़ी कंपनी है. सो किसी भी ऐसी सिचुएशन में आपको नीचे के दाम मिलते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा वहाँ पर SIP वे में ऐड कर सकते हो. SIP वे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ताकि जब वो 300 भी गया तो 350 भी आपने देख लिया, तो आप 350 देख कर आ गए, यानी आपकी कॉस्ट का आधा भी देख कर आ गए, उसके बाद भी आपने ऐड नहीं किया. सो थोड़ा सा कंसर्न है, चलो आप 350 पे रिस्क पे डर गए थे, 400 पे तो ले सकते थे, 450 पे तो ले सकते थे. सो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आप ऐड कर सकते थे. इसलिए आप अगर रिस्क लेकर थोड़ा ऐड करते या SIP वे में थोड़ा ऐड करते तो एटलीस्ट आपके पास क्वांटिटी भी होती और आपका प्राइस भी नीचे का आ गया होता. सो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो. यही सेम चीज़ लोग यस बैंक में करते हैं, यही सेम चीज़ लोग सुजलॉन में करते गए, यही सेम चीज़ लोगों ने TTML में कर ली, लेकिन बड़े लार्ज कैप में नहीं करते हैं, तो ये गलत रणनीति है एटलीस्ट. ओके, आगे बढ़ो. और EMIL फ्रॉम हेयर, तो अरुज जी 80 रुपया था शायद दाम पहली बार जब मैंने उसका नाम जिक्र किया था और कहा भी था कि आपको लेना है ले लीजिए. तो 80 रुपये का शेयर 223 रुपये तो कल मैंने देखा था, आज पता नहीं कहाँ है. लेकिन मतलब 4 टाइम्स हो गया ये शेयर, नहीं 3 टाइम्स, 3 टाइम्स होने के बाद अब मैं आपको क्या ही इसमें बोलूँ लेने के लिए. मतलब आपका रिस्क आपने खुद ही 3 टाइम बढ़ा लिया रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से. सो अब मैं पैसा फंसाने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि कोई चीज़ जो मैं 80 रुपये में देख कर आया हूँ और मुझे 80 रुपये में वहाँ वैल्यू दिख रही थी, तो 223 में उसकी वैल्यू मुझे नहीं दिखाई पड़ेगी जब तक उसके नंबर सपोर्टिव ना हो. सो अभी मुझे वैल्यू नहीं दिख रही है. अब नीचे आ जाए तो बात अलग है. एक ही बड़ा फ्लॉ था उसमें कि प्रमोटर 75% हिस्सेदारी बेचने वाले थे, वो बिक गई है, तो वो कंसर्न खत्म हुआ और शेयर खिंच गया. सो ऐसा कंसर्न ऐसा सेम मान्यवर में हुआ है, लेकिन वो चला नहीं है, पता नहीं क्यों चला नहीं, लेकिन वो चल सकता है क्योंकि उसमें भी प्रमोटर ने हिस्सेदारी अपनी 75% लिया है, लेकिन वो शेयर चल नहीं रहा है. तो उस पर आप नज़र रखिए, शायद वहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएट हो जाए गोइंग फॉरवर्ड. चले, फिलहाल इतने सवालों को शामिल करूँगा. माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई. जिनके सवाल बचे रह गए, आगे बातचीत करना चाहते हैं, वो 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. और आप किसी भी शेयर को लेकर मुझसे राय, मतलब आप किसी भी शेयर पर अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें. और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है. और आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे, वरना कल इसी जगह पर. नमस्कार.